खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कैंटीन साफ सफाई और कॉलेज के फ्रंट गेट में कॉलेज का मैप लगाने सहित अन्य मांगे की हैं। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के बैनर तले पहुंचे छात्रों ने उक्त मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया है। आइए सुनते हैं छात्र नेताओं ने क्या कहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 बोले प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, भारत माता की जय। मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, संभागीय अध्यक्ष हिंदू क्षत्रिय वाहिनी एवं युवा नेता एनएसयूआई। आज शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न मुद्दा है, जैसे कि सबसे पहला है कैंटीन का। टीआरएस एक एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन कैंटीन में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं, चाहे वो प्रोफेसर्स को बैठने की हो, चाहे वो छात्र को बैठने की हो। दूसरा है यहाँ अंक प्रणाली को लेकर के। टीआरएस एक्सीलेंस महाविद्यालय में लड़के फिल्टर होके आते हैं, 90% लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं, इसका अभी हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। साथ ही टीआरएस में साफ सफाई के मुद्दे को भी लेकर के हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है। एवं एक बार मैं मानवेंद्र सिंह पुनः कहना चाहूंगा कि यदि एक्सीलेंस कॉलेज हमारे महाविद्यालय की सुविधाओं में, साफ सफाई में यदि उचित कदम नहीं लिया जा रहा है कॉलेज प्रशासन द्वारा, तो हम उग्र आंदोलन की ओर मजबूर होंगे और छात्र हित में देखते हुए उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।